महाराजगंज धानी ब्लॉक में सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। 14 अक्टूबर 2022 जनपद में बाढ़ की स्थिति व बाढ़ बचाव की तैयारियों का जायजा लेने व बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ का जनपद के धानी विकास खंड के महेश राम अशोक कुमार कन्या इंटर कॉलेज में आगमन हुआ। राहत शिविर में मौजूद बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अभी अभी धानी विकास खंड के उन गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया है जहां पर पिछले सप्ताह की बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में पहली बार इस तरह के बाढ़ का सामना हम सबको करना पड़ा है, फिर भी बाढ़ की इस स्थिति में केंद्र व प्रदेश सरकार सभी जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी आपकी सेवा में तत्परता के साथ खड़े हैं। बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, फ्री में दलहन तिलहन के बीज सब्जी के बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है, आप सभी उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। जिला प्रशासन को भी अब सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या जहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था करते हुए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था दें। बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिनों के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। गाँव में स्वच्छता का ध्यान देना होगा। दीपावली के पहले पहले हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था, छिड़काव की व्यवस्था, सड़कों को फिर से बनाना और बिजली जहां बाधित हुई है बिजली को बहाल करके दीपावली के पहले पहले हम लोग पूर्व की स्थिति में नहाने की पूरी व्यवस्था करें, जिससे दीपावली का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें। आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात का आश्वासन देते हुए कि सरकारें, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर है, हर संभव सहायता करेगी। जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आपदा की इस घड़ी में शासन की ओर से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि सरकार आप सबको हर संभव मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।